कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंदूरदान का वीडियो, जो कि मेरी सासू माँ की भतीजी का शादी हुआ था और मैंने उसमें ब्लॉग बनाया था। तो मतलब 5-6 दिन पहले मैंने वो वाला वीडियो भी पोस्ट किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो वीडियो। तो उसमें मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था और मेरे पास ज़्यादा वीडियो भी नहीं था, इसीलिए मतलब जो मेरे पास वीडियो था उसी को मैं डोल के बना दिया था, मतलब शेयर किया था आप लोग के साथ। और मुझे अभी मतलब सिंदूरदान का वीडियो मिला तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए वो वाली वीडियो, जो कि मतलब इनके मतलब मेरे हस्बैंड जी के मोबाइल में था। तो जब मैं देखी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो मेन चीज़ का ही मतलब वीडियो है मेरे पास, तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो मैं वही वाला वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि सिंदूरदान का वीडियो है। तो मैं सोची कि चलो वीडियो अपना स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद वॉइस ओवर करके आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँगी और फिर आप लोग देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। और वीडियो में मतलब छोड़ो ये सब बातें, छोड़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है तो आप लोग माइंड मैनेज कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय। सो फ्रेंड्स, ये है मतलब अभी टाइम हो रहा था, इस समय 2 या 2:30 बज रहे होंगे। और गहना मतलब गहना जो चढ़ाया जाता है उस टाइम में मैं यहाँ पे थी, और उसके बाद मेरा बेटा रोने लगा था तो मैं नीचे चली गई थी। और आप लोग देख सकते हो ये विध वगैरह जो भी शादी हुआ था छत पे ही हुआ था इनके। मतलब मंडप जो होता है शादी का वो छत पे ही बनाया गया था। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, तो मैं सो गई थी मतलब बाबू को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी, तो मैं ये सब मिस कर गई थी। तो कोई बात नहीं, मुझे ये वाली वीडियो मिल गई तो मैं भी देख लूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंदूर मतलब सिंदूर दान हो रहा है और दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और यहाँ पे पीछे उनकी बहन है, दोनों बहन है, बड़ी है बहन दोनों, तो उनका उनका भी शादी हो चुका है, कुछ दिन पहले ही हुआ था। मतलब जो बीच वाली होती है उनका, तो उनका भी शादी हो चुका था। और ये मतलब सबसे छोटी थी, उन्हीं का शादी है, 3 बहन थी ये, तो आज उनका भी शादी हो गया है। और बगल में भी उनकी चाची भी थी, मम्मी भी थी। तो मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिखाया, मतलब पूरा दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सिंदूर डाल रहे हैं दूल्हा जी अपनी दुल्हन को। और ये मोमेंट बहुत ही हर लड़की के लिए बहुत बहुत खास होता है। तो चलो मैं इसको शेयर कर दूँगी तो निशी भी देख लेगी, तो दुल्हन का नाम निशी है तो निशी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये देखेंगी वीडियो तो उनको भी बहुत खुशी मिलेगी कि चलो ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। वैसे तो वीडियो कैमरा वगैरह सब लोग आए हुए थे, लेकिन मतलब मोबाइल का बात ही कुछ अलग रहता है, उसमें दूसरा तरह का क्वालिटी रहेगा और इस मोबाइल का क्वालिटी भी अलग रहेगा, तो थोड़ा सा तो खुशी उनको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे सिंदूरदान का मतलब हो ही गया था काम, और यहाँ सभी लोग थे, बस मैं ही नहीं थी। बस मैं चली गई थी नीचे, बाबू रोने लगा था तो मैं छत पे ही थी, जैसा कि मैंने बताया गहना वगैरह चढ़ाया गया था तो मैं थी, वो सब देखी थी। और वो वीडियो भी मैंने शेयर किया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो वाला भी वीडियो देखना। और मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, मेरे वीडियो को वॉच करना पूरा और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे विध हो रहा है
और मतलब लड़की सुबह में ही विदा हो गई थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने वो वाली वीडियो में दिखाया था। अगर आप लोग वो वाली वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे हुआ था। मैंने उसका पूरा ब्लॉग बनाया था, मतलब पूरा नहीं, बस जो जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया वही आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन आप लोग समझ जाओगे, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखना वो वाला वीडियो, तो आप लोग पूरा समझ जाओगे। तो ये वाला बस मैं इसी में मतलब इतना ही छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे इसमें शेयर करूँगी, जो कि सिर्फ सिंदूरदान का ही है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, और क्योंकि लड़के वाले को जल्दी थी विदाई के लिए, तो जल्दी से ही विदा हो गया था, मतलब लड़की विदाई जल्दी से ही हो गई थी। तो मैं बस सिंदूरदान के बाद मैं उठ गई थी, तो मैंने देखा विदाई सारा मैंने देखा था, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो प्लीज़ आप लोग ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंदूर, मतलब जो सिंदूरदान का जो विध होता है, वो सिंदूरदान का वीडियो मतलब विध ख़त्म हो जाता है। और अभी लड़की से लड़की पढ़ाई हो गई है, अब हर लड़की की मतलब यही रीत होता है, जो जो लड़की है उसके लिए इस टाइम तो अजीब लगता है ये ना। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।